आपको बता दें, गौतम गंभीर को नया कोच बनाया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच होंगे। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने पोस्ट कर दी है जानकारी। राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे गौतम गंभीर। तो जिस तरह से वर्ल्ड कप जीत के आए राहुल द्रविड़ की अगुवाई में, उसके बाद यही था कि कौन अब नया कोच होगा, तो गौतम गंभीर के नाम का ऐलान हो गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विमल मोहन मौजूद हैं। विमल, अपने आप में क्या आप लोग इसका अनुमान लगा रहे थे? बिल्कुल, देखिए सीएसी ने जो उनका जो इंटरव्यू किया था डब्ल्यू बी रमन के साथ, सिर्फ दो लोग थे और जैसा जो मतलब कहा नहीं गया है, लेकिन अपेरेंटली ही वॉज अप्रोच, गौतम गंभीर को बीसीसीआई ने अप्रोच किया था और केकेआर ने कोलकाता नाइट राइडर्स टीम को जब उन्होंने चैंपियन बनवाया और 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर भी ये माना जा रहा था कि गौतम गंभीर निश्चित तौर पर सबसे आगे हैं कोच के पद की दौड़ में। लेकिन ये बात जरूर है और उनका काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड, आप देखिए 2007 जो T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनी टीम, उसमें बतौर खिलाड़ी थे वो। 2011 जो टीम बनी वनडे टीम चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, उसमें भी बतौर खिलाड़ी थे। दो बार आईपीएल की टीम को बतौर कप्तान उनको टीम को जितवाने का गौरव हासिल है। इसके अलावा आईपीएल के इस साल के मेंटोर रहे, तो उनके पास ट्रैक रिकॉर्ड काफी स्ट्रांग है। काफी टेस्ट में उन्होंने धमाल किया है, वनडे में, हर फॉर्मेट में उन्होंने बतौर खिलाड़ी बतौर मेंटर अपने आप को साबित किया है। एक बात जरूर है कि अब क्योंकि ये टीम जो जैसे जिस टीम में आई है, 2007 में रोहित शर्मा भी उनके साथ बतौर खिलाड़ी थे, तो कई खिलाड़ी हैं, ट्रांजिशन का दौर भी है। अभी T20 वर्ल्ड कप में टीम चैंपियन बन के आई है, तो बहुत सारा चैलेंजेस रहेगा क्योंकि गौतम गंभीर से एक्सपेक्टेशन अब कम नहीं होगा। ये नहीं होगा कि आप फाइनल में पहुंचा पाए टीम को, अब तो जो टीम का एक्सपेक्टेशन है फैंस का, एक्सपर्ट्स का, सब उसको खिताब के तौर पे देखेगी। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो खिताब है वो हमारे पास नहीं है। अभी 2011 में हमने वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता था, तो करीब करीब अब 13 साल हो गए हैं। तो अगले ही साल आपको 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी, 2026 में T20 है, तो चैलेंजेस बहुत सारे हैं और बहुत सारे कोचेस बने यहाँ पे। और कहा जाता है कि ये कांटों का ताज है, तो कांटों का ताज पहन लिया है गौतम गंभीर ने, लेकिन बहुत बड़ा कद है उनका और उनका एक अप्रोच है, माइंडसेट क्लियर है, किस तरह से टीम को ले जाना है वो टेम्पलेट एक तरह से बनाना जानते हैं। क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये सबको पता था कि गौतम गंभीर बनेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विमल इस अच्छी खबर के लिए, क्रिकेट प्रेमियों के लिए। आपको बता दें बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि बेहनता खुशी के साथ में गौतम गंभीर का भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच के तौर पर स्वागत करता हूं। आधुनिक क्रिकेट बड़ी तेजी से बदल रहा है और गौतम ने इस बदलते माहौल को करीब से देखा है। अपने करियर में इसकी मुश्किलों को झेलते हुए और अलग अलग भूमिकाओं में महारत हासिल करते हुए मुझे उम्मीद है गौतम भारतीय क्रिकेट को आगे ले जाने के लिहाज से आदर्श हैं। टीम इंडिया के लिए उनका साफ नज़रिया, उनका विशाल अनुभव उनके लिए कोचिंग की भूमिका लेने के लिहाज से सर्वथा उपयुक्त।